स्टार्ट करते हैं तुम्हारा HTML से। देखो अभी फिलहाल जो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है नोट पैड प्लस प्लस पे। आपके एक सॉफ्टवेयर है नोट पैड प्लस प्लस, नोट पैड प्लस प्लस ये इंस्टॉल कर लेना आप, ये वाला सॉफ्टवेयर। नोट पैड प्लस प्लस ये डाउनलोड कर लेना, मैं आपको बता दूं कहाँ से डाउनलोड होगा। गूगल में जाओ, सिंपली टाइप करना है नोट पैड प्लस प्लस डाउनलोड, ठीक है। इस पर क्लिक करो, बहुत सारे वर्जन हैं ये, कोई सा भी वर्जन इंस्टॉल करो, लेटेस्ट ये है 7.9.5, इसको डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, इस पर क्लिक करो, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक मिनट, ये आ गया आपका नोट पैड प्लस, ठीक है। इसे डाउनलोड कर लेना, 3.7 MB का है, ठीक है। फिलहाल इस पर प्रैक्टिस करेंगे, बाद में कुछ थोड़े दिन बाद जैसे एचटीएमएल खत्म होगी आपकी, अब मैं आपको सॉफ्टवेयर दूंगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उन पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसका सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट होता है जैसे आपकी हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, जो भी आप लिखते हो, दीज आर द हाइपर टेक्स्ट जो इंटरनेट पे है अवेलेबल है, उनको क्या बोलते हैं। और इंटरनेट पे क्या क्या चीज अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, ऑडियो है ना, आपकी इमेजेस, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल्स, बहुत सारा, वो सारा क्या है आपका हाइपर टेक्स्ट है। मार्कअप का मतलब होता है कहीं पर लगाना, आपके मार्कअप का क्या मतलब होता है, कहीं पर लगाना। आप अपनी वेबसाइट पे वीडियो लगानी है, मार्कअप करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं लगाना, वीडियो लगाना, ऑडियो लगाना, इमेज लगाना अपनी वेबसाइट पे, है ना, तो मार्कअप बोलते हैं उसको, मार्कअप करना। हाइपर टेक्स्ट ऑडियो वीडियो सारा हाइपर टेक्स्ट है, उसको लगाना किसकी हेल्प से, किसी एक लैंग्वेज की हेल्प से। तो हम वो लैंग्वेज कौन सी आपकी, HTML। HTML की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पे कोई भी हाइपर टेक्स्ट लगा सकते हो। हाइपर टेक्स्ट मैंने बताया आपका, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर जो टेक्स्ट है आपका ये हो सकता है ऑडियो वीडियो है ना, इमेजेस, फाइल्स, जो भी फाइल हो सकती है ना, आपका टेक्स्ट जो भी आप लिखते हो उसको टेक्स्ट बोल, ये कुछ भी हो सकता है आपका। तो हमें HTML पढ़ना है। अभी जो HTML का लेटेस्ट वर्जन है HTML 5 चल रहा है, तो हमें HTML 5 पढ़ना है। HTML 5 आपका लेटेस्ट वर्जन है। इसका जो सिंटैक्स है, इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा देखो ध्यान से, मैं इसे सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, एक फोल्डर बना देते हैं वेब, और यहाँ पर HTML के नाम से फाइल सेव, ठीक है जी। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आपको लिखना है HTML/HTML, ठीक है। ये हमारा, इनको बोलते हैं टैग, ये हमारी टैग है, इनको क्या बोलते हैं हम, टैग, टैग्स, ये हमारी टैग है, ये हमारा ओपन टैग है, ये हमारा क्लोज टैग है। ये जो स्लैश, ये स्लैश लगा, इसको बोलते हैं क्लोज टैग, ये हमारा क्लोज टैग होगा, ये हमारा ओपन टैग है। तो दो तरह के टैग होते हैं आपके, जो ओपन और क्लोज होंगे, और एक सेल्फ क्लोज। सेल्फ क्लोज जैसे मैंने लिखा br टैग स्लैश, अब ये यहीं पर स्टार्ट हुआ और यहीं पर एंड हो गया,
इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोज टैग, सेल्फ क्लोज टैग, ठीक है। ये आपके पेयर में है, एक ओपन और एक क्लोज, तो इनको बोलते हैं पेयर टैग, ये हमारे पेयर टैग है दोनों, ठीक है। तो जब भी आपको HTML की कोडिंग करनी है तो आपको HTML लिखना पड़ेगा। ये जो आपने HTML लिखा, इट कैन बी कैपिटल लेटर्स, ये कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है आपका, स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। H आपने कैपिटल ले लिया, T स्मॉल ले लिया, ठीक है, M कैपिटल ले लिया, L भी कैपिटल ले लिया, मिक्स ले सकते हो। तो हमारी जो HTML है वो केस इनसेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि मैंने जैसे सपोज X लिखा और एक कैपिटल X, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर ये दोनों अलग अलग है तो आपकी लैंग्वेज क्या है? केस सेंसिटिव है। आपकी को कैसी होगी? केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, ठीक है। अगर कैपिटल और स्मॉल का मतलब सेम ही है, कैपिटल X और दोनों सेम है, हमारी केस इनसेंसिटिव हो जाएगी, केस इनसेंसिटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके सेम है एक्स, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स, अगर दोनों सेम अलग अलग हैं तो केस सेंसिटिव, अगर सेम नहीं है तो इनसेंसिटिव। ऐसे ही मैंने बताया आपको HTML, चाहे आप कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, तो हमारी जो HTML लैंग्वेज है केस इनसेंसिटिव, मतलब कैपिटल में HTML लिखा और स्मॉल में लिखा दोनों का मतलब सेम है। सबको आप सबसे पहले आपको क्या लेना है? HTML लेना है। इस HTML के अंदर आपको लिखना है हेड, एक हेड टैग होता है स्लैश हेड, ये भी हमारा पेयर्ड टैग है। पेयर टैग मतलब जो ओपन और क्लोज अलग अलग हो, ये ओपन टैग है, ये आपका क्लोज टैग है, हेड टैग। फिर हेड टैग के जस्ट नीचे आपको लेना है बॉडी टैग स्लैश बॉडी टैग, तो HTML के अंदर ये HTML आपका पेरेंट टैग है। पेरेंट टैग क्यों है? क्योंकि यहां शुरू यहां खत्म, इसके अंदर आपने दो टैग ओढ़ लिए, हेड टैग, ये आपका हेड टैग है, हेड टैग के जस्ट नीचे आपने लिया बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर एक टैग और होता है आपका टाइटल टैग, टाइटल टैग, टाइटल, ठीक है। यहां पर आप कुछ भी लिखो, जैसे मैंने लिखा फेसबुक, अभी मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तुम्हें, ये टाइटल हो गया मेरे। जैसे मैंने कोई वेबसाइट ओपन करता हूं, आप ऑब्जर्व करना, मैंने लिखा यहां पर cloudxweb.in, ठीक है। ये देखो, ये जो ऊपर लिखा रहा है सबसे टॉप में cloudxweb, ये टाइटल की वजह से आ रहा है। अगर मैं टाइटल में इसको चेंज कर दूं तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा, तो जो भी आप टाइटल में लिखोगे वो यहाँ पर आएगा टाइटल के अंदर। अभी मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली करके, ठीक है जी। आपको जो भी काम करना है बॉडी टैग के अंदर काम करना है, ये आपका बॉडी टैग है, ये बॉडी टैग यहां से शुरू और यहां पर खत्म है। मैं एक फाइल लेता हूं करके दिखाता हूं तुम्हें। आपको क्या लिखना है? HTML स्लैश HTML, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिया हेड टैग, हेड टैग, हेड के अंदर हमें लेना है बॉडी टैग स्लैश, ठीक है। अब इसको सेव कराते हैं, फाइल को सेव कराओ। डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बनाया था अभी आपने, किस नाम से? वेब टैग के। इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव कर दो, किसी भी नाम से सेव कर दो। एक चीज और इंपॉर्टेंट, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, हर वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है उसको हमेशा इंडेक्स के नाम से सेव करते हैं। किस नाम से? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अभी आप स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो तो आपको यहां पर डॉट एच टी एम एल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं, डायनेमिक वेबसाइट बताऊंगा मैं तुम्हें क्या होती है डायनेमिक वेबसाइट, जिसका कंटेंट बदलता रहता है,
उन वेबसाइट को क्या कहते हैं, डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, जैसे आपने क्रिकेट का स्कोर है, क्रिकेट का स्कोर हर एक बॉल पे स्कोर चेंज हो रहा है, शेयर मार्केट है, शेयर शेयर मार्केट के जो प्राइस है कभी डाउन हो रहे हैं कभी अप हो रहे हैं, तो वो डायनेमिक वेबसाइट है। तो जितनी भी डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं उनका जो एक्सटेंशन होगा डॉट एचटीएमएल नहीं होता, उनका होता है डॉट जेएसपी या डॉट पीएचपी या डॉट पीवाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम स्टैटिक वेबसाइट पढ़ रहे हैं, एचटीएमएल हमारा बेसिक है, तो जो भी आपका प्रोग्राम होगा उसको आप किसी भी, यहाँ पर कोई भी नाम हो लेकिन डॉट के बाद आपको एचटीएमएल जरूर लिखना है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये सेव कर दिया, सेव करते ही इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया। अब ये दिखा रहा है कि हमारा एचटीएमएल टैग पर्पल कलर पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर शुरू है यहाँ पर खत्म है, ये आपका हेड टैग यहाँ पर शुरू यहाँ पर खत्म, ये बॉडी टैग यहाँ पर शुरू यहाँ पर खत्म। ठीक है, हमें जो काम करना है सारा का सारा किस में करना है, बॉडी टैग के अंदर काम, हमारा बॉडी टैग। ठीक है जी, अभी हेड जो टैग है आपका, इसके अंदर हमें, मैंने बताया था एक टैग होता है आपका टाइटल टैग, टाइटल टाइटल में मैंने लिख दिया स्लैश टाइटल, ये मैंने बंद कर दिया। इस टाइटल के बीच में ये ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में, ये ओपन और क्लोज इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, जैसे मैं लिख दिया फेसबुक है ना, जीमेल, ये दो चीज लिख दी, मैंने सेव कराया। अब इसको रन कैसे कराना है, सिंपली जहां पर आपने इसे सेव कराया, मैंने जो इसको सेव कराया है वेब टेक नाम का एक फोल्डर है, इसमें सेव करा ये इंडेक्स। जैसे ही आप इसको एक्सटेंशन दोगे तो ये है ना आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, फायरफॉक्स हो, या उसकी एक आइकन ले लेगा बाय डिफॉल्ट, जो भी आपके सिस्टम आइकन होगा उसको ये आइकन शो करेगा। आपको सिर्फ इसको रन करने के लिए क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ये आपका पेज खुल गया, ये आपका एक पेज हो गया। अब इस पेज में मेरा कोई भी कंटेंट नहीं था तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको ऊपर देखो, आप नोट कर रहे होंगे तो फेसबुक एंड जीमेल लिखा रहा है, ये मैंने कहाँ लिखा था, अगर आप ऑब्जर्व करो ये मैंने लिखा था यहाँ पर टाइटल के अंदर। तो आप जो भी टाइटल में लिखोगे यहाँ पर वो यहाँ पर आ जाएगा आपका। जैसे इसमें मैं कुछ और भी ऐड कर देता हूँ, इसको जी फेसबुक को हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ गेट। मैंने सेव किया, इसको सिर्फ रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करोगे तो यहाँ जीमेल की जगह क्या आ जाएगा आपका, गेट आ जाएगा। ठीक है, फिर टाइटल की वजह से आता है, तो आपका टाइटल आपके वेब पेज का टाइटल जो भी आप दोगे तो उसको आपको टाइटल टैग में लिखना है, ये आपका टाइटल। ठीक है, ये आपके पेयर्ड टैग है, ये ओपन और क्लोज जो इस तरह से बंद होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ये हेड टैग है, हेड टैग के अंदर हम बाद में काम करेंगे क्योंकि तो इसमें ज्यादा बे में काम नहीं करना, हमें जो काम करना है बॉडी टैग के अंदर काम करना है। ठीक है, जैसे मैं, मुझे कुछ हेडिंग डालना है, जैसे मैंने हेडिंग डालने के लिए हमारे 6 हेडिंग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, सिक्स हेडिंग टैग्स होते हैं। जैसे मैंने हेडिंग डाला स्लैश H1, ठीक है, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये आ गया आपका वेल। ठीक है, ये हमारा इसकी वजह से आया, लेकिन मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ H2, H3, एक सिर्फ एक जनरल क्लास है, H4, और एक और ले लेते हैं आपकी H6, देयर आर 6 हेडिंग टैग्स। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, आप देखो इनमें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पर डिफरेंस चेक करो, जो H1 है आपने H1 में हेडिंग लिया, ठीक है, ये आपका सबसे बड़े फॉन्ट में आ रहा है, जबकि
जैसे आपने H2 लिया, H2 से ये आपका छोटे वाला, H3 से और छोटा हो गया आपका हेडिंग, तो आपके टोटल 6 हेडिंग टैग्स हैं। H6 से सबसे छोटा हेडिंग टैग हो गया, ठीक है, टोटल आपके 6 हेडिंग टैग्स हैं, ठीक है। अगर आपने H7 ले लिया, समझ रहे हैं, आपने लिख दिया वेलकम, तो आपका जो भी नॉर्मल होगा ये नॉर्मल लिखा आएगा बिल्कुल। देखो अब आप इसकी चेक करो, ये तो ब्लू कलर के आ रहे हैं, ये ब्लू कलर का नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कोई टैग ही नहीं है। लेकिन मैं रिफ्रेश करता हूं, लिखा जरूर आएगा वेलकम, लेकिन ये इंसर्ट थोड़ा डिफरेंट आए, चेक करो, है ना। तो जो ब्लू कलर में आएंगे वो आपके टैग होंगे, ये आपका कोई टैग नहीं है H7, समझ रहे हैं, ये नॉर्मली लिखा आएगा। अगर आप वैसे भी लिखोगे ना जनरली वेलकम, तो ये भी आपके इसी तरह से आएगा लिखा हुआ। एक मिनट, एक फोन आ रहा है। ओके, तो ये आपके टोटल 6 हेडिंग टैग्स है। तो आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे ही बिना टैग के वेलकम लिखा और H7 के अंदर लिखा, ये दोनों सेम आ रहे हैं देखो, यहाँ पर ये दोनों सेम दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये दोनों कोई टैग ही नहीं है। तो आप बिना टैग के कभी भी कुछ कंटेंट मत लिखना HTML के अंदर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जिसमें दूसरी जो ऑब्जर्व करने वाली बात है, एक चीज और ऑब्जर्व करो, इसको सेव कर देता हूँ, सेव जरूर कर देना, इसको रिफ्रेश करो। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो वेलकम है और ये वेलकम है, एक अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, इसकी बराबर में क्यों नहीं आया यहाँ पर, ये वेलकम ये सारे के सारे क्यों नहीं आए, कोई बताएगा? कोई भी आंसर करे, ये हमारे अलग अलग लाइन में क्यों है, एक इसी एक ही लाइन में क्यों नहीं आया, इसकी बराबर में क्यों नहीं आया वेलकम। देखो हमारे यहाँ ना दो तरह के टैग होते हैं, एक होते हैं ब्लॉक लेवल टैग और एक होते हैं इनलाइन, ठीक है। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स पूरी की पूरी एक एक लाइन में एक ही आएगा, तो हमारे जितने भी हेडिंग टैग्स हैं सारे के सारे ब्लॉक लेवल, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट टैग्स हैं। एलिमेंट बोल दो, टैग बोल दो, बात एक ही, ठीक है। तो हमारा जो है वेलकम है, ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होंगे वो एक लाइन में एक ही आएगा, लेकिन जो एलिमेंट्स आपके इनलाइन लेवल होंगे वो एक लाइन में मल्टीपल भी आ सकते हैं। तो इसको चेक करना है कि ब्लॉक लेवल है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस वेब पेज पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा व्यूज पेज सोर्स, मतलब जो आपने कोडिंग करी वो कोडिंग देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके इसकी जो शॉर्टकट किया है Ctrl+U और इंस्पेक्ट पर क्लिक करते हैं। अब इंस्पेक्ट पर चेक करते हैं, ये मेरी कोडिंग है जो मैंने लिखी, ठीक है। अब मैंने H1 पे लिखा, जैसे मैं H1 के ऊपर माउस लेके आया, यहाँ पर H1, H2, H3, H4, 5 के माउस लेके आ रहा हूं, तो साइड में आपकी इधर इस साइड में ये देखो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं H1 के ऊपर लेके आया, तो आप ऑब्जर्व करो कि एक ब्लू कलर की पट्टी आ रही है, देखो यहाँ पर एक ब्लू कलर की पट्टी आएगी जैसे मैं H1 के ऊपर ले गया, तो ये ब्लू कलर की पट्टी बता रही है कि इस वेलकम की जो विड्थ है पूरी की पूरी विड्थ ले रखी है इसने, पूरी विड्थ ले रखी है, जितनी भी है पूरी विड्थ है ना। H2 ने भी पूरी विड्थ ले रखी है, H3, H4, H5, H6, तो इसका जो पहले वाला वेलकम का जो एरिया है, इस वाले का जो एरिया है वो यहां से लेके यहां तक का पूरी विड्थ है, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। तो ये आपके दो तरह के एलिमेंट्स होंगे, आपके ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल, ठीक है। इनको वैसे मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दे रहा हूँ जिससे तुम्हारा थोड़ा माइंड सेट हो जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपके पास, ये मेरी HTML की कोडिंग है जो मैंने लिखी थी, मेरा कोड है जो मैंने लिखा था, टाइटल के अंदर ये लिखा था फेस गेट, है ना, फेसबुक गेट।
ये मेरा बॉडी टैग है। ये बॉडी टैग पे देखो, जैसे बॉडी टैग के ऊपर ला रहा हूँ तो इधर लेफ्ट साइड में एक ब्लू कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, इस यहाँ पर ये सारा का सारा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है बॉडी, यानी कि बॉडी टैग यहाँ, ये पूरा का पूरा एरिया बॉडी टैग का है ना। और उसमें जैसे मैं H1 के ऊपर लेके आता हूँ तो H1 में ब्लू कलर की पट्टी आ रही है, दिखा रहा है कि H1 का एरिया, ऐसे ही H2 का एरिया है, H3, H4, H5, इनके सबके अलग अलग एरिया। ठीक है जी, अभी इस ऊपर देखो ये कुछ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो वेब पेज मैंने बनाया ये दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है कि अगर आपका मोबाइल, ये देखो, अगर मोबाइल आपका 320x2000 का है, मतलब उसकी चौड़ाई 220 पिक्सल और हाइट 400 पिक्सल है, तो वह इस तरह से आउटपुट दिखाई देगा। इसको मैं चेंज करता हूं, 400 करता हूं, आप देखो ये इस तरह से आउटपुट दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर ये देखो कुछ मोबाइल्स के नाम दिए गए हैं, तो मोटो 4G में आपका आउटपुट इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। गैलेक्सी S5 में कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये कुछ फोन है, आईफोन्स है, आईफोन में कुछ इस तरह से आउटपुट दिखाई देगा, ये सब के अलग अलग है, इस तरह से आउटपुट। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, एडिट में जाके यहाँ पर और भी डिवाइस ऐड कर सकते हो, जैसे गैलेक्सी एस कोई नया फोन आ गया, ब्लैकबेरी, इनको भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। ये मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, ऐड कस्टम डिवाइस, इसका नाम दे दो डिवाइस का, जैसे मेरा जो फोन है ओप्पो का है ना, ओप्पो की जो सपोज हाइट कितनी है 400 और इसकी 70, ये मैंने ऐड कर दी। अब यहाँ पर मेरा ओप्पो भी दिखाएगा, ये ओप्पो में इस तरह से आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, है ना, उनको रेस्पॉन्सिव बनाना जरूरी है। रेस्पॉन्सिव मतलब देखो, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने एक वेबसाइट ओपन करी, ये मैंने वेबसाइट ओपन की, ये वेबसाइट है आपकी, ठीक है। इस वेबसाइट को थोड़ा ध्यान से देखना, अब मैं इस वेबसाइट को थोड़ा छोटा करूंगा तो इसका व्यू है ना, ये ऑटो एडजस्टेबल होगा, ये देखो, ये देखो अपने आप फॉन्ट और आइकन चेंज हो रहे हैं। इसको मैं और छोटा कर रहा हूँ, और छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, और छोटा कर रहा हूँ, मतलब छोटा करने का मतलब है कि ये वेबसाइट छोटे डिवाइस में कैसी दिखाई देगी, कुछ में से दिखाई देगी। आपके ऊपर देखो ये आइकन्स थे सारे के सारे, जैसे ही और छोटा करता हूं ये सारे के सारे गायब हो गए, गायब नहीं हुए, रियल में ये यहाँ पर आ गए। जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये सारे के सारे अब आइकन इस तरह से दिखते हैं, और छोटा करता हूँ इसको, है ना, आपकी वेबसाइट ये कुछ इस तरह से दिखती है, सबसे छोटे डिवाइस में इस तरह से, इससे छोटा नहीं होगा। इसको मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये एडजस्ट नहीं होगा, तो ये आपकी वेबसाइट छोटे डिवाइस में इस तरह से ओपन होगी। तो इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। कैसी वेबसाइट? रेस्पॉन्सिव, ये आपकी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए आपको बूटस्ट्रैप पढ़ना पड़ेगा, जो मैं HTML CSS के बाद पढ़ाऊंगा तुम्हें, बूटस्ट्रैप। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, देखो, ठीक है। आजकल जो टाइम है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का टाइम है, तो आपको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको HTML सीखना पड़ेगा, उसके बाद CSS, फिर बूटस्ट्रैप। बूट स्टेप्स आप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक है। कितना समझ में आया सभी की? कोई डाउट हो तो बताओ। आप इस पर राइट क्लिक करो, व्यू सोर्स पेज। ये व्यू सोर्स पेज में क्या होगा, जो आपने कोड लिखा वो एज इट इज दिखाई दे देगा। आप किसी भी वेबसाइट का कोड चेक कर सकते हो, ठीक है। इंस्पेक्ट में जाते हैं, इंस्पेक्ट में गए तो आप यहां पर देखो इनका जो फॉन्ट साइज है, किसका, H1 का, H1 का जो फॉन्ट साइज होता है 2EM होता है ना, ये EM बताऊंगा क्या होता है आपको। ये आपका फॉन्ट साइज H2 का होता है 1.2EM, H3 का जो फॉन्ट साइज होता है 1.17। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो, किसी का भी फॉन्ट साइज आप इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी ध्यान रखो, सर एक क्वेश्चन साइज होता है EM,
बोलो क्या कह रहे हो। सर, ये जो है आप H6 के बाद H7 तक, H7 हेडिंग नहीं आने के सर, ये 6 तक ही आती है क्या? H7 कोई हेडिंग होती ही नहीं, टैग ही नहीं है कोई, सिक्स बस 6 होते हैं तो मैंने मतलब सिक्स सिक्स बताया आपको, सिक्स से छोटा कोई हेडिंग ही नहीं होगा। तो छोटा कोई नहीं होने का। हाँ ठीक है ठीक सर, ये साथ में 0 क्या शो कर रहा है, इक्वल टू है कहाँ पे, ये एच टू यहीं पे पे, ये आपका ओवरराइड कर रखा है, इसको भी बताऊंगा क्या मतलब इसका। ठीक है, अभी अब हम पढ़ेंगे ना आपका, ये जब भी किसी के ऊपर लाओगे, ये डबल इक्वल टू ये बता रहा है कि कंसोल टू द रिफर द दिस एलिमेंट। ये जावास्क्रिप्ट जब यूज करेंगे तब पता लगेगा आपको इसका क्या मतलब, ये जावास्क्रिप्ट के लिए है। ठीक अच्छा है, इतना समझ में आया। तो आप किसी भी पेज की, सपोज मैंने गूगल का पेज है, सपोज google.com, इसका भी कोड चेक कर सकते हो। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में जाओ, है ना, ये गूगल का कोड आ गया सामने सर, ये गूगल का कोड है सर, ये बॉडी टैग दिखा रहा है, ये सारी कोडिंग उसी की है, इसके अंदर डिवीजन ले रखे हैं, ये एचटीएमएल की कोडिंग है सारी की सारी, ये इस पेज की कोडिंग है। आप किसी भी की कोडिंग चेक कर सकते हो। ठीक है, ये इमेज भी बदल सकते हो फिर थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वो बताऊंगा कैसे करना। समझ में आया है? ओके, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हुआ एचटीएमएल का। तो एचटीएमएल के अंदर आपको जो कोडिंग करनी है बॉडी टैग के अंदर करनी है, आपको इतना कोड लिखना ही पड़ेगा एचटीएमएल, और ये एचटीएमएल क्लोज करना, फिर आपको हेड लिखना है, हेड के बाद हेड के अंदर टाइटल, फिर बॉडी टैग, उसके अंदर आपको टैग्स लिखने हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल लिया, सिक्स हेडिंग टैग्स होते हैं, आप इसी तरह से कोई इमेज भी लगा सकते हो, है ना। इमेज लगाना बताता हूँ, देखो तुम्हें, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, तो ये मेरी इमेज है, ये मैंने कॉपी करी, वेब टैग का जो फोल्डर है, आप अपने एक फोल्डर बना लेना जिसपे सारा काम करना है, वहीं पर पेस्ट कर लेना, है ना। इसका बहुत बड़ा नाम है, इसको रीनेम कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ग्रीन। मेरी जो फाइल है ये पीएनजी फाइल है, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पीएनजी। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे देखते हैं। मैंने लिखा img, इमेज लगानी है तो आपको img टैग लेना पड़ेगा, आप लिखोगे src, src इक्वल टू, है ना, उस फाइल का नाम लिखो जो तुम्हें लगानी है। मेरी फाइल का नाम क्या है, ग्रीन पीएनजी फाइल, ग्रीन पीएनजी फाइल है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा src का मतलब होता है रिसोर्स, कहाँ से फाइल उठानी है, फाइल कहाँ से उठानी है, ये यहां से उठानी है, किस नाम से, ग्रीन स्पेलिंग शुड बी मैच ग्रीन डॉट पीएनजी, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, क्लिक किया, ये मेरी इमेज आ गई, ये वेबसाइट पर आपकी इमेज लगी। ठीक है, मैं इस इमेज की विड्थ और हाइट भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा विड्थ, इसकी विड्थ दे दी मैंने 200, ये 200 लिख दिया मैंने, 200 का मतलब 200 पिक्सल, और हाइट दे दी मैंने, हाइट दे दी सपोज ये आपकी 300। तो आपकी इमेज 200 विड्थ हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 300, लंबी एक इमेज बन जाएगी इस तरह। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट दे सकते हो। ठीक है, अभी अगर आप ऑब्जर्व करो, इस टैग को यहीं पर बंद कर दो, ये मैंने बंद कर दिया। मैंने दो तरह के टैग बताए थे, एक तो होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, जिनके लास्ट में स्लैश आ जाए उनको बोलेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग, स्टार्ट हुआ और यहीं पर ही खत्म हो गया, इसको बोल देंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, और जो ओपन टैग अलग और क्लोज टैग अलग, इनको बोलते हैं पेयर्ड टैग, ये आपके पेयर्ड टैग, ये अब आपकी img है। इसमें जो एक चीज समझने की है, ध्यान से देखो, img क्या है, img एक टैग है, क्या है आपका टैग। व्हाट इज src, src क्या है कोई बताएगा,
ये आपका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है, ये आपका एट्रीब्यूट है। और इक्वल टू में जो डबल कोट्स में लिखा हुआ, ये क्या है, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है, इसको बोलते हैं वैल्यू, वैल्यू। ये आपका टैग है, टैग के अंदर होते हैं एट्रीब्यूट, बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे मैंने एसआरसी एट्रीब्यूट लिया, विड्थ भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। 200 क्या है, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है। हाइट क्या है, ये भी एक आपका एट्रीब्यूट है, ये आपका एट्रीब्यूट है। और 300 क्या है, 300 इसकी वैल्यू है। तो एक टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, है ना। बॉडी टैग के भी अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो बताऊंगा मैं तुम्हें, जैसे एचटीएमएल स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी कंप्लीटली, और उनकी अपनी एक वैल्यू होती है, हर एट्रीब्यूट की एक वैल्यू होती है। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। समझ में आया है, कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ, एक चीज और बताता हूँ, जैसे आप पूछ रहे हो ना कि ये 200 300 क्या है, इसे थोड़ा ध्यान से समझो। एक्चुअली ये सपोज आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, इस तरह पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, ये इस तरह से है ना, इधर भी पिक्सल्स होते हैं इस तरह से, पिक्सल्स होते हैं, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन मल्टीपल पिक्सल्स में डिवाइड होती है इस तरह से, ठीक है, पूरी स्क्रीन पे होते हैं। तो आपका मतलब है कि इसकी जो सपोज ये स्क्रीन है, इसकी जो विड्थ है सपोज 1024 इंटू, आपने देखा होगा इसका जो रेजुलेशन है कुछ इस तरह से आता है 768, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि 1024 पिक्सल्स इधर है और 768 पिक्सल्स इधर है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन 1024 इंटू 768 पिक्सल्स में से आपने अपनी इमेज को 200 पिक्सल्स दिए और हाइट कितनी दी, 300 पिक्सल्स। तो आपकी जो भी इमेज होगी इधर 200 पिक्सल, जहां पर भी बैठते होंगे सपोज आपके 200 पिक्सल्स यहां से स्टार्ट होके यहां पर बैठे, और हाइट यहां पर बैठेगी 300 पिक्सल्स, ठीक है। तो 200 और 300 पिक्सल्स, तो जितने भी आपके पिक्सल्स बैठेंगे उस हिसाब से साइज ले लेगा। क्लियर है पॉइंट पिक्सल्स का। आपकी स्क्रीन छोटे छोटे स्मॉल यूनिट, स्क्रीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको पिक्सल्स बोलते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं, मुझे चेक करना है कि मेरे स्क्रीन पर फिलहाल कितने पिक्सल्स हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो, इसमें जाओ डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, मेरा जो इसके दिखा रहा है डिस्प्ले रेजुलेशन दिखा रहा है 1920 पिक्सल्स मेरे इधर है ऐसे, और 1080 पिक्सल्स इधर है वर्टिकली, ठीक है। मैं इनको कम और ज्यादा भी कर सकता हूँ, 2 पिक्सल्स देखो मेरे जो रिकमेंडेड है, मैं इतने पिक्सल्स भी कर सकता हूँ ये मेरे, लेकिन मुझे मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बता रहा है कि आपके लिए जो पिक्सल्स होने कंपलसरी है वो इतने होने चाहिए आपके सिस्टम में, ठीक है। इसको मैं इतना चेंज करूंगा, ये देखो क्या सेटिंग चेंज हो जिसकी, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर जितने ज्यादा मैक्सिमम पिक्सल्स होंगे उतने ही ज्यादा आपके सिस्टम की क्लियरिटी होगी, ठीक है। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से इन पिक्सल्स को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसे आपकी जरूरत। ठीक है, अभी एक चीज और, अभी स्टार्टिंग में तो हमें ना ये पिक्सल्स में ही देंगे 200 300 पिक्सल्स पे, कुछ टाइम बाद हमें ना इसको परसेंटेज में देंगे। अगर आपको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है
तो आपको पिक्सल्स की जगह परसेंटेज का यूज करना पड़ेगा, परसेंटेज में देंगे, वो मैं बताऊंगा बाद में आपको कैसे। ठीक है, इसी तरह से आपको कोई कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा सारे के सारे। तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर हुआ एचटीएमएल के बारे में। ठीक है, कल से आपका जो एक्चुअल सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा क्या क्या हम पढ़ेंगे इसमें, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं आपको पहले बता दूं, जितनी ज्यादा आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी वेब डिजाइनिंग अच्छी होगी। अभी स्टार्टिंग में तुम्हें ना उल्टे सीधे कलर लोगे, मैं कलर उठाना सिखाऊंगा जैसे कलर्स हैं। ठीक है, कोई भी कलर है, कोई भी वेबसाइट है, अभी ये कलर उठाना है, ये वाला, इस कलर को कैसे उठाएंगे, इसका कोड क्या है कलर का, अरे वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटेंशन हैं, जैसे मेरा ये है, ये मैंने एक्सटेंशन ऐड कर रखी है, बताऊंगा कैसे ऐड करनी है। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने पर जैसे ये इस पर क्लिक करा, इसका जो कोड दिखा रहा है ये दिखा रहा है 193035। अरे जैसे ही मैं कलर पे मूव करूंगा ये उसी का कलर दिखा देगा। समझ रहे, ये देखो जैसे ही कलर पे लेके जा रहा हूं ये वैल्यू चेंज हो रही है, 5417 इस तरह से देखो ये चेंज हो गई, ये वैल्यू देखो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चेंज होगी वैल्यू, यहाँ पर देखो हर कलर की अलग अलग वैल्यू। तो हम कलर जो भी देंगे इस तरह से कलर उठा देंगे, जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है अपनी वेबसाइट पे देना चाह रहे हो कलर आप इजीली उठा सकते हो, जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है। ये बताऊंगा कैसे उठाना है, सीएसएस से जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो आज इतना ही रखते हैं, कल इस पर आगे डिस्कस करेंगे।